आज हम आपको एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के बारे में बताएंगे। इसका डोज क्या होता है, बच्चे को कौन सी तकलीफ कौन सी परेशानी रहती है, तो एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन 200 एमजी का सिरप दिया जाता है। आज हम इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन 10 एमजी पर केजी पर डे बच्चे को दिया जाता है। ईच 5 ml एच यानी 5 ml में 200 mg एजिथ्रोमाइसिन होता है। 1 ml बराबर 200 mg यानी 5 बराबर 40 mg। अगर बच्चे का वज़न 3 kg है तो कितना दिया जाता है, चलिए जान लेते हैं। अगर बच्चा 3 kg का है तो 1 ml में 40 mg होता है, तो 40 × 3 बराबर 120 यानी एक प्रकार से 3 ml बच्चे को दिया जाएगा अगर बच्चे का वज़न 3 kg है तो। या सस्पेंशन बच्चे के नाक में इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन या शरीर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो ये दिया जा सकता है, और या बैक्टीरिया इन्फेक्शन में भी दिया जा सकता है, और या एक एंटीबायोटिक है यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चे को निमोनिया होने पर भी यह दिया जाता है। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ कोई परेशानी होती है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क करके फिर दवा दें। यह वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है।